मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे, जहां विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने से पहले मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। इस दौरान शिवपुरी जिले में स्मैक के मामले पर मीडिया कर्मियों से कहा कि जिले में स्मैक का कारोबार बिना पुलिस की मदद से संभव नहीं है। गौरतलब है कि प्रभारी मंत्री के शिवपुरी दौरे पर आने से पहले बीती रात स्मैक के ओवरडोज से एक युवक की मौत हो चुकी है। वहीं प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि अभी समीक्षा बैठक होनी है और सभी गंभीर मुद्दों पर बात होगी। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मेरे संज्ञान में ये बात लाई है। अध्यक्ष जी दीदी कि स्मैक का प्रचलन बहुत ज्यादा शिवपुरी जिले में हो रहा है और आज मीटिंग में मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करने चाहूँ। दो चीजों का बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है, एक तो रेत का और दूसरा स्मैक का, और आज मीटिंग में बहुत निर्णायक मैं करने वाला हूं, सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, और साथ ही पुलिस को भी इस बात की हिदायत दूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो भी काम होता है बिना पुलिस के संरक्षण में के बिना हो नहीं सकता है। इसलिए आज की मीटिंग बहुत निर्णायक मीटिंग होगी और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आने वाले समय में ये दो बीमारियों से, एक स्मैक और एक रेत, ये दोनों से हमारे शहर के लोगों को मुक्ति प्राप्त हो सके।